डेरिवेटिव अच्छे से आ गया बेटा आपको? सर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए डेरिवेटिव्स की। कौन कौन से रूल पढ़े थे आपने डेरिवेटिव के? हाँ डेरिवेटिव एक तो वो फॉर्मूला था कौन सा, n a n-1 वाला। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है बताओ जरा। d/dx यूवी का सर एन एक्स एन माइनस वन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स बोलो। रक्षित बताओ। सो ex है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। यस सर ये यार यूवी का ई क्या होता है? सॉरी सर कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर। कोई भी कांस्टेंट नहीं होता बेटा, ये फिक्स कांस्टेंट होता है। पाई की तरह का कांस्टेंट नंबर है, इरेशनल नंबर होता है। 2.718 डेसिमल में और भी आगे डिजिट होती हैं इनफाइनाइट तक। ये यस कोई सर। हो सकता है, ए टू द पावर एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 2 to the power x। तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 to the power x log 2 डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे 3 to the power x। तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 to the power x log 3। ठीक है ऐसे होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रक्षित सर लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ। मुझे नहीं पता लॉग एक्स। 1/x। ये लॉग अच्छा पता है क्या होता है? किसी को बच्चे को पता है लॉग क्या होता है? नहीं पता। नहीं सर, लॉग लॉग तो करवाए नहीं ना अभी। 10 to the नहीं लॉग 11th के सिलेबस में नहीं है बेटे। लॉक तो नहीं पावे था जैसे 10 to the power 2 टू इज इक्वल हंड्रेड तो इसमें 10 क्या है? बेस। बेस और ये पावर है, एक्सपोनेंट है ना। तो लॉग में अगर आप इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखोगे लॉग ऑफ 100 to the base 10। यही वाला बेस 2 to the base 10 इज इक्वल टू दिस नंबर 2। इसका मतलब था कि बेस की क्या पावर की जाए कि ये नंबर आ जाए। 100 का लॉग ओ टू द बेस 10 कितना है? 2 के बराबर है। 100 का लॉग टू द बेस 10 लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। इसका मीनिंग है कि 100 की क्या पावर की जाए, सॉरी 10 की क्या पावर की जाए कि ये नंबर आ जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या होगा? तो इसका मतलब है कि 2 की क्या पावर की जाए, फोर 2 की क्या पावर की जाए कि 16 आ जाए। अब सबको पता है कि 2 की 4 पावर की जाए तो 16 आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4। ठीक है समझ रहे हो? यस 25 लॉग ऑफ 25 लॉग ऑफ 5 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 25 क्या होगा? यूवी का क्या मतलब है? वन वन ओके 1/2 है। यूवी का आप बता सकते हो 25 की क्या पावर की जाए कि 5 आ जाए? तो ऑब्वियसली हाफ पावर करनी पड़ेगी है ना। 25 to the power half इज इक्वल टू 5। तो लॉग ऑफ 5 to the base 25 किसके इक्वल होगा? हाफ के इक्वल होगा। ठीक है रक्षित, यस सर ये होता है लॉग। यूवी का आवाज आ रही बेटे? रक्षित डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? सर कॉस था माइनस कॉस नहीं कॉस था यस सर डी कॉस बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ
सी वाले जितने भी होते हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन साइन कॉस टेंजेंट का डेरिवेटिव बताओ। सर टान का नहीं यार, 2 टाइम्स कुछ था ना, 2 टाइम्स। सेक्स स्क्वायर एक्स अच्छा सेक्स स्क्वायर एक्स। हाँ कॉट का डेरिवेटिव बताओ। माइनस ओके सीकेंट एक्स सेक एक्स टैन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट कॉसेकेंट एक्स कॉटेक्स कॉसेक एक्स कॉर्टेक्स कॉटेक्स नेगेटिव इनटू कॉसेक एक्स। बट सी वाले जितने भी हैं सबका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, याद रखो। होता है। ठीक है, डेरिवेटिव अच्छे से आता है आपको? नहीं आता है। अच्छा सॉरी, बताया था आपने कि नहीं आता है। एक लिमिट का क्वेश्चन बताओ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये ओपन हो गया है तो देख ही लेते हैं इसको। टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, यूवी का हो पाएगा ये क्वेश्चन? सर ट्राई कर दीजिएगा। कैसे करोगे? अच्छा रक्षित, आप कर पाओगे इसको? सर इसमें टैन को हम साइन वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। बिल्कुल करेंगे बेटे, 0.0 फॉर्म में। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। रक्षित यस समझ आया? यस उसके बाद युविका क्या करेंगे? युविका साइन एक्स कॉमन ले सर लो, फिर को यस सर नीचे क्या है, कॉस एक्स, और यहां पर साइन क्यूब एक्स है। इस साइन क्यूब एक्स को मैं साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स लिख रहा हूं, साइन एक्स कट जाएगा। ये कट हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू सॉरी कॉस एक्स इंटू, इस साइन स्क्वेयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन यस माइनस कॉस तो वो कट जाएगा, एक नहीं अपनी कट जाएगा। अब इसमें दो फैक्टर बनेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वन कट माइनस जाएगा कॉस वो। एक्स सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, सो ये कट माइनस हो माइनस माइनस कर, यस और एक्स को 0 अप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन कॉस 0 क्या होता है बच्चों, 1, वन और और हमारी ये वाली टर्म बची हुई है, ये वन वाली प्लस वन टू। है ना, तो 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, अरे जीरो होता है कॉस 0 तो इज 1। वन। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। देखते हैं कौन रक्षित और जीविका से कौन करता है ये। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जीविका कर लोगे? से ट्राई करूंगी। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, करना वैसे ही है रक्षित जैसे पिछली बार किया था। ओके।
यस सर, इधर तक मेरा भी हो गया। युविका, यस सर। इससे आगे हो पाएगा बेटे? युविका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? अच्छा हाँ, साइन एक्स वन एक्स तो होता है। वन हो जाएगा। एक तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू में हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स, ये बाकी बचेगा। लिमिट में जहां कभी भी आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए और अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर में आ जाए न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं होता है, तो आपको 1 माइनस कॉस एक्स को क्या यूज करना है? 2 sin² x/2, हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर लिमिट में कहीं पर भी आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स आ जाता है और अगर वो कैंसिल नहीं होता है, तो आपको 100% यही आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है? यस सर, तो अब आपका ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसको तो फाइनली हम 1 बना लेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज 2 sin² x/2। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दिया? 2 sin² x/2। नीचे ये एक्स स्क्वेयर है इंटू ये जो कॉस एक्स है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं, 1 अपॉन कॉस एक्स, क्लियर है? तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। साइन एक्स अपॉन एक्स ऐसे ही रखेंगे, इसको छेड़ना नहीं। देखो बेटे ये वाली टर्म देखो, sin² x/2 अपॉन x² है, ठीक है? युविका, ये टर्म कैसे सिंप्लीफाई होगी? युविका यस सर। पता है बेटा ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? सर नो। ओके देखो, जैसे यहां पर हमें ये पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, जो साइन के एंगल में हो वही टर्म नीचे होनी चाहिए। तो यहां पर sin² x/2 है, अगर इस होल इसको तो मैं होल स्क्वायर बना देता हूँ, और नीचे क्या आएगा? एक्स, sin x/2 अपॉन एक्स। तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स के नीचे 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है? यस, 1/2 हो जाए। 1/4 कर देंगे और ये sin x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वेयर हो गया। तो जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये तो 1 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यस बट कहने का मतलब ये है कि जब sin² आ गया तो इसके नीचे क्या होना चाहिए था? इसके नीचे होना चाहिए था x² बाई 4, इसके नीचे होना चाहिए था x² बाई 4, इसलिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2/4 इंटू, ताकि ये sin x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वेयर बन जाए, ठीक है? और ये साइड में एज इट इज, ये समझ आया? यस सर, यस सर। अब अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1 इंटू, ये हो गया 1/2, दिस इज 1, 1 का स्क्वेयर क्या वन हो जाएगा? स्क्वायर वन वन और ये 1/cos, टाइम्स 1/1, 1/1 ही हो 0, गया। सो फाइनली इट इज हाफ। ओके सर, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 sin x - cos x अपॉन x - π/4। लिमिट बच्चों आपको एनसीईआरटी से के बाहर से भी करना पड़ेगा, अगर आपके स्कूल में बोल देते हैं कि एनसीईआरटी से ही आएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको लिमिट्स और डेरिवेटिव बाहर से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लिमिट्स और डेरिवेटिव के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो आर एस अग्रवाल है, लिमिट्स और डेरिवेटिव आर एस अग्रवाल में सबसे अच्छा दिया हुआ है।
दिस, इस क्वेश्चन को बता सकता है कोई कैसे सिंप्लीफाई होगा? डायरेक्ट अगर आप लिमिट डाल देंगे तो ये 0.0 फॉर्म बनेगा। योविका, सो जस्ट अ मिनट। रक्षित आप सोचो। यस सर, सर इसका भी रक्षित, फॉर्मूला होता था ना, जब पाई प्लस होता था या माइनस होता था। देखो क्या करना है, दो मेथड इसको करने के, एक थोड़ा छोटा है एक लंबा है। जो छोटा है वो थोड़ा ट्रिकी है, लंबा है वो डायरेक्ट है। देखो मैं इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाहर, और अंदर इसको मैं 1/√2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आपको ये समझ आया मैंने क्या किया? यस सर, यस सर। दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4। साइन एक्स को मैं एज इट इज रख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं कॉस पाई बाई 4, होता है ना 1/√2 कॉस पाई बाई 4 होता है। अब ओ मैंने यस, कॉस हाँ ठीक। कॉस एक्स को एज इट इज रखा, और 1/√2 को साइन एक्स साइन पाई बाई 4 लिख दूं, और नीचे है एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? यस सर, दिस इज रूट टू। अब ये क्या बन गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, करेक्ट? यस सर, ये बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। क्या बना? साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है, साइन सॉरी माइनस बनेगा, साइन ए माइनस बी, और नीचे है एक्स माइनस पाई बाई 4। साइन 1। अब अगर हम पुट कर देते हैं एक्स माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू वाई, तो जैसे ही एक्स पाई बाई 4 को अप्रोच करेगा वाई 0 को अप्रोच करेगा। सो लिमिट आपकी हो गई लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 √2 इंटू साइन वाई अपॉन वाई, तो अच्छा तो 1 है। ये 1 हो जाना चाहिए। यस सर, √2 इंटू 1 दैट इज √2। ओके यस √2 हो जाएगा। समझ आया? सर, ऐसे करें। इसका एक दूसरा मेथड भी है पर वो थोड़ा लंबा है, बट वो ट्रिकी नहीं है ज्यादा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। करवाऊं क्या? यस सर, कवान युविका क्या कहती है? ओके सर करवा दो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4 है। हमें ये पता है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 कब होता है? जब लिमिट 0 हो, लिमिट पॉइंट क्या हो? 0, तभी ये इनकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। यहां पर नॉन जीरो लिमिट है, तो इस लिमिट को जीरो बनाने की कोशिश करो। ये जीरो आप तभी बना सकते हैं जब आप पुट करें एक्स को। क्या पुट करें? देखो एक्स पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा है, सो एक्स क्या होगा? पाई बाई 4 से या तो स्लाइटली ग्रेटर होगा, है ना, या स्लाइटली स्मॉलर होगा, करेक्ट? एक्स अगर पाई बाई 4 से स्लाइटली स्मॉलर या ग्रेटर है तो हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स पाई बाई 4 प्लस एच या माइनस एच। पाई बाई 4 प्लस एच या फिर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एच, ठीक है। एज एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 4 एच अप्रोचेस टू 0,
एक्स अगर पाई बाई फोर को अप्रोच करेगा तो एच जीरो को अप्रोच करेगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। साइन एक्स की जगह हम डालेंगे पाई बाई फोर प्लस एच, माइनस कॉस के जगह हम डालेंगे पाई बाई फोर माइनस एच, अपॉन में एक्स के जगह पाई बाई फोर प्लस एच माइनस में पाई बाई फोर। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो सर एक सर। बार फिर से समझाना, एक बार फिर से समझाना। देखो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाई फोर को अप्रोच कर रहा है। सो एक्स अगर पाई बाई फोर को अप्रोच करता है तो या तो एक्स पाई बाई फोर को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर एक्स लेफ्ट पाई बाई फोर को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो एक्स विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन पाई बाई फोर, एंड एक्स अगर यस पाई बाई सर, फोर को राइट से अप्रोच करता है एक्स विल बी ग्रेटर स्लाइटली ग्रेटर देन पाई बाई फोर। एक्स अगर यस पाई बाई सर, फोर से स्लाइटली स्मॉलर है तो हम एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई फोर माइनस समथिंग, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर से थोड़ी सी छोटी है तो पाई बाई फोर माइनस समथिंग टाइप से हुई। और एक्स अगर पाई बाई फोर से बड़ा है तो एक्स को हम कह सकते हैं पाई बाई फोर प्लस समथिंग, वो समथिंग हमारा एच है, ठीक है। तो हम एक्स को या तो ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने एक्स को तो सर आपने साइन में पॉजिटिव क्यों लिखा और कॉस में नेगेटिव क्यों लिखा? अच्छा वो बाई मिस्टेक लिख दी है, दोनों में प्लस आएगा, यस ठीक है। तो एक्स को हमने क्या लिख यस लिया पाई बाई फोर प्लस एच, जहां जहां एक्स था वहां पाई बाई फोर प्लस एच हो गया, नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब इसको साइन ए माइनस बी के ए प्लस बी की आइडेंटिटी से ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाई फोर इंटू कॉस एच प्लस कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन एच माइनस, ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर कॉस एच माइनस साइन पाई बाई फोर साइन एच। कौन सी आइडेंटिटी लगाई बताओ जरा। तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 1/√2 कॉस एच, ये हो गया 1/√2 साइन एच साइन एच माइनस 1/√2 कॉस एच, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/√2 साइन एच साइन एच अपॉन एच, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आई थिंक कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सो रूट टू साइन एच बाय एच, तो हाँ साइन वन एच बाय एच रह जाएगा और फिर वो वन बन जाएगा। साइन एच हो जाएगा, अपॉन में एच है ये वन हो हाँ जाएगा, तो फिर ये वन और 2 × 1/√2, √2 ये होता है। तो √2 × 1 √2 आंसर आ जाएगा, पिछली बार भी √2 ही आया था। यस वैसे तो बहुत लंबा तो ये भी नहीं है, है ना। कौन यस सर, सा इजी लगा आपको, ठीक सही इजियर था, इसमें बस आइडेंटिटी लगानी थी ए प्लस बी वाली। है। वैसे तो बेटा ये भी इजी था, इसमें भी आइडेंटिटी लगानी थी, देखो इसमें है ना, हाँ बट ये वो भी थोड़ा वैसा ही है, ट्रिक ये है कि और रूट टू रूट टू से बाहर लेना होता है भाई। बस ये एक पॉइंट अगर आपको याद रह जाता है ना तो फिर इसमें थोड़ा सा। चलो ये भी आपको समझ आया बेटे, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और बताओ फिर, लिमिट बताओगे या नहीं बताना चाहोगे। सर बता देंगे। हाँ बेटे
ये बता सकते हो? मैं दिमाग लगाओ, कोशिश पिछले कर, वाले क्वेश्चन का मतलब सेम उसी का मतलब ट्विन ब्रदर है ये, सेम वही करना है जो उसमें किया था, थोड़ा सा चेंज है, माइन्यूट सा। हाँ बेटे, आया दिमाग में? सर मैं सर मैंने इतना कर लिया तो पहले हम एक्स को लिख देंगे पाई बाय 6 प्लस h। अच्छा, आप उस वाले मेथड से कर रहे हो, यस उस वाले सर, से तो हो ही जाएगा, दूसरे वाला बताओ। एक काम करना बेटे, दूसरे इसको आप रूट वाला तो पता। 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, ठीक है? योगिका, ये समझ आया बेटे? वो वाला तो मतलब सभी में लग जाएगा, ठीक है यस ना? सर, तो सब पाई वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उससे ही होते हैं, मतलब वो प्लस एच करके। यस हाँ, पाई माइनस और पाई बाय 2 वाले ये प्लस एच माइनस एच करके ही होंगे, कोई एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट भी निकल सर, सकता है, बट अगर आपकी कोई ऐसी टर्म रह गई जो कैंसिल नहीं हो रही है और अब उसमें एक्स वगैरह है, तो फिर वो आपकी ऐसी ही सिंप्लीफाई होगी, ठीक है? ओके सर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स एज इट इज, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस 30 डिग्री, कॉस पाई बाई 6, समझ आया? यस सर, माइनस माइनस, अब इस 1 बाय 2 को मैं क्या लिख दूँ, कॉस कॉस पाई पाई बाय 4। बाई 6,